जेडी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एम एस एक्सेस की इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे कि जो हम लोग कल का फॉर्म बनाया है ना, बटन वगैरह लगाए हैं, फॉर्म बनाया है, उस पे हेडर या लोगो लगाना हो कैसे लगाना। और दूसरा चीज पढ़ेंगे रिपोर्ट के बारे में कि हम उस फॉर्म के मुताबिक रिपोर्ट कैसे तैयार करें। सबसे पहले सब लोग आईडी कार्ड पहन लीजिए, पहला काम यही कर लीजिए। आप लोग तुम कहाँ बैठे लिए, कौन सा कोर्स है तुम्हारा? तो डबल बेस नहीं करना है तो सर आएंगे वो देखेंगे डाटे। चलो तो आज बैठो तब पढ़ लो, कल से सिस्टम चलाना ठीक है। जो नहीं, जो सत्य सही है वही चीज किया जाता है ठीक है। तो कैसे हम हेडर अप्लाई करेंगे, हेडिंग अप्लाई करेंगे उस पर देख लीजिए। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, विंडो आर एमएस एक्सेल। तो कल ये फॉर्म बनाया था ना, ये रहा फॉर्म, ये है ना, जो कोई हेडर वेडर नहीं है ना। सबसे पहले इसका व्यू चेंज कर लेंगे, क्या कर लेंगे। अच्छा बटन वाली बात जो लोगों की आ रही थी, क्या दिक्कत आ रही थी, बटन ड्रैग कर रहे थे, क्या हो रहा था? हाँ तो बताए तो थे यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है यूज कलर कंट्रोल लिस्ट, ऑन करना पड़ेगा। सब लिखवाए हैं कॉन्टैक्ट नहीं ये लक्षण नहीं आ रहा है एक्सेस और इंस्टॉल मार के, सॉरी हमें सॉफ्टवेयर दूसरा इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। आया क्यों नहीं, आएगा सब आएगा, क्यों चेंज नहीं किया होगा, अच्छे से तो नहीं आ रहा होगा। और दूसरा व्यू ले लोग यहाँ पे, वो शायद ऑप्शन ना आ रहे। अब देखो इसमें वो ऑप्शन ही नहीं आएगा, वो ऑप्शन कब आएगा, होम में व्यू चेंज कर या लेआउट व्यू या डिजाइन व्यू, क्या पता है। लेकिन ना कोशिश करना नहीं आएगा, बताना कि वाला ऑप्शन है ठीक है। दूसरी चीज, अब हेडर हेडिंग यहीं से ऑप्शन है, देखो यहाँ लिखा हुआ लोगो लिखा हुआ है, हाँ क्लिक कर दीजिए, तो डबल क्लिक करिएगा, डबल क्लिक देखिए। अब पूछेगा लोगो कहाँ है, देख लीजिए कहीं लोगो है कि नहीं है, डाउनलोड में या कहीं पे भी उसको लोगो होगा, कितनी डाउनलोड करना पड़ेगा पहले। मतलब जीआईटी का लोगो दिखा रहा है फ्री टाइम में, तो इमेज नहीं है पिक्चर में, ये कोई इमेज दे रहा है, यहाँ होगा जीआईटी का लोगो। ओके लोगो आ गया तो ठीक है। अब देखिए अब इसका व्यू चेंज करिए, देखिए अब लोगो भी आ रहा होगा, आ रहा लोगो ठीक है। जो भी करना होगा कर लीजिएगा, उसके बाद से मान लीजिए टाइटल भी देना है, कहाँ क्लिक करेंगे, टाइटल आ गया है यहाँ लिख लीजिए क्या। अरे कीबोर्ड पर सब गड़बड़ हो गया है, गायत्री इंस्टीट्यूट, हाँ गायत्री हो गया ना, अब सही है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ठीक है। साइज को थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं आप चाहे तो, होम पे आकर साइज को थोड़ा सा कम कर ले या 16 रख ठीक, बोल्ड करना है तो बोल्ड कर लीजिएगा, बोल्ड कलर चेंज कर लिए, इटैलिक कर लिए जो भी है। और ठीक ऐसे ही एक ऑप्शन है डेट एंड टाइम का, वो भी लगा सकते हैं। पूछिए कौन सा फॉर्मेट लेके डेट एंड टाइम, जो फॉर्मेट आपको सही लगे, ट्यूजडे अप्रैल 2024 या टाइम या फिर जो भी, तो हमने ओके कर दिया। तो डेट भी आएगा टाइम भी आएगा, लेकिन देखिए इसका ब्रैकेट बहुत वो हो गया है, छोटा कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट होता है रखना,
ठीक है, अब देखिए व्यू चेंज कर गया। डेट टाइम आ रहा है ना, डेट नहीं आ रहा, क्यों? हैशटैग आ रहा है, जानते ही हैशटैग कब आता है, कब आता है? नहीं, सेव्स नहीं है। अरे बड़ा मार्केट ठीक है, अब देखिए आ गया गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्यूजडे अप्रैल 2, 2024, 12:22। और जितनी बार सेव करेंगे ना इसको, बॉडी को काम बनेगा, जितनी बार सेव करेंगे टाइम चेंज होता रहेगा, रिफ्रेश कर लेंगे, मतलब ये 23 होगा, रिफ्रेश आओ करके देखिएगा हो रहा है कि नहीं हो रहा। इस फॉर्म में हम क्या लगा रहे हैं, लोगो लगा रहे हैं, हेडिंग लगाए हैं, हेडर जैसे बोल सकते हैं, और क्या लगाए हैं, डेट एंड टाइम लगा, कर लेंगे आप लोग भी। ठीक है, एक बार दिखा रहे हैं तो लिख लीजिए आप लोग भी, ये नोट कर लीजिए आप लोग। टू अप्लाई हेडिंग हेडर एंड लोगो, एंड लोगो लिखना, फुटर नहीं, एंड लोगो लिख लेना। क्या क्या करना होगा देख लीजिए, स्टेप समझ में आ गया ना? क्या क्या लगाएंगे, लोगो लगा लेंगे, हेडर लगा लेंगे, और क्या लगा लेंगे, टाइम, डेट एंड टाइम लगा देंगे, कोई दिक्कत? चलिए अब हम क्या बनाएंगे, रिपोर्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, रिपोर्ट। रिपोर्ट कहाँ है, टू क्रिएट रिपोर्ट इन एमएस एक्सेस। क्या क्या करना होगा उसके लिए, डाटाबेस को सिलेक्ट करना होगा, क्रिएट मेनू में जाना होगा, रिपोर्ट ग्रुप में जाएंगे, रिपोर्ट विजार्ड पे क्लिक करेंगे। चलिए स्टेप को फॉलो करते हैं, इसको हमने कर दिया सेव एंड कर दिया क्लोज। अब क्या क्रिएट में जाना है, और कहाँ जाना है, रिपोर्ट, रिपोर्ट विजार्ड में, रिपोर्ट विजार्ड में नहीं, रिपोर्ट विजर ही बोला है ना, रिपोर्ट विजर में सिलेक्ट करना है टेबल को, कौन सा टेबल लेना है, क्योंकि यहाँ एक ही टेबल दिख रहा है ना, ये दो टेबल है, पहला वाला ले लिया जाए क्योंकि पहले वाले में डाटा अच्छा खासा है, क्यों? और क्या क्या करेंगे, कौन कौन सा फील्ड रखना चाहते हैं वो फील्ड सिलेक्ट कर लेंगे आप, रिपोर्ट में कौन कौन सा फील्ड रखना चाहते हैं वो रख लेंगे आप लोग, सिलेक्ट टेबल, सिलेक्ट डिटेल फ्रॉम फील्ड, नेक्स्ट प्रियोरिटी, नेक्स्ट, लेकिन हो रहा है नहीं, जिसको चाहिए इसमें रख लीजिए, जिसको जिसको रखना हो। ओके, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, कोड, फोटो। हाँ, कैसे स्टार्टिंग से बता दें, मेरी गलती है, बिल्कुल नहीं बताऊंगा स्टार्टिंग से, आपकी गलती है। मैं पहले ही बोल सकता हूँ कि पहली ट्रेन से आइए, मेरी फॉल्ट नहीं होगी, मैं आधा आधा घंटा लेट पढ़ाऊंगा क्लास, टॉपिक कैसे खत्म होगा भाई, मैं बेवकूफ दिख रहा हूँ कि मैं पहले बोल रहा हूँ कि आप लोग पहले ट्रेन से आइए, ये बेवकूफ है बच्चे, परिवार कौन पढ़ाते हैं? तो जो बच्चे आएंगे तभी पढ़ाएंगे, अपने आप को पढ़ा लें, अपने आप को पढ़ा लें, बच्चे आएंगे तभी तो पढ़ाऊंगा ना, किसको पढ़ाऊंगा, किसको? तुम 12 बजे आओ, 12 बजे पढ़ाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, जिसको प्रियोरिटी देनी है उसको प्रियोरिटी दे दीजिएगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर को प्रियोरिटी दे दिया मैंने, और क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और क्या कर देंगे, पूछेगा लेआउट कैसा करना है, जो भी है कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट करना है, और लास्ट में प्रीव्यू या फिर फिनिश कर दीजिए। अभी देखिए फॉर्म बन के आ गया ही रहा। अच्छा, फॉर्म से फायदा फायदा क्या होता है, कितने लोगों की लिस्ट बनाया हम लोग, ज्यादा लोगों का बनाया है ना, हाँ बोलो, तो इसमें सबका आएगा, देखो अभी 4 लोग का डाटा और है, देख लीजिए 4 तक, साइज बहुत बड़ी बड़ी हो गई है, साइज थोड़ा छोटा कर लीजिएगा इसको, देख रहे हैं ना, ये सब बन गया, 2 पेज में, 2 पेज में देखेंगे तो और दिखेगा, देख रहे हैं डाटा, 3 का यहाँ पर, 3 का यहाँ, मोर पेजेस कर दीजिएगा, 4 पेजेस, 4 पेजेस में डाटा देख रही है,
सबका आ गया डाटा। देखिए तीन इस पे है, तीन इस पे है, तीन इस पे है, दो इस पे है, 9 2 11 ही लोग था ना, 11 लोग आ रहे हैं, चेक कर लीजिए 11 लोग ही हैं स्टूडेंट लिस्ट में, आइए काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सही है, फॉर्म भी आ गया हमारा उतने का, देखिए 11 का, इसको जूम करके देखना, उसको जूम करके देखते रहिए आप, ये आपका फॉर्म एक पेज में देखना, वन पेज में देख लीजिए, कर लेंगे हो जाएगा ना, जूम करना तो जूम करके देख लीजिएगा, ये बन गया क्या आपका फॉर्म बन गया, स्टेप लिखिएगा कैसे बनेगा। अच्छा फॉर्म किसके भी यहाँ पे बनेगा, आपके डेटाबेस के भी यहाँ पे ही बनेगा, डेटाबेस मतलब जो टेबल आपने बनाया, टेबल के भी यहाँ पे देखो जो जो आज, लेकिन हाँ एक और चीज है, जितना आपने सिलेक्शन किया है उतनी ही चीजें यहाँ पे आएंगी, ये सब आएगा सब बड़ा बड़ा आएगा, जो भी है प्रीव्यू बंद करना है बंद कर लीजिएगा, ये देखिए खुल गया। अब चाहते हैं कि कोई साइज बड़ी है छोटी है तो आप कर लीजिए, जैसे फोटो का साइज इतना बड़ा दिखाया ना हमने, इसे क्या करिए आप छोटा करेंगे तो ज्यादा पेज पे डाटा आएगा, बस इतना कर दिया, बाकी सब सब ठीक ही है। अब ठीक करने के बाद हमने क्या कर दिया, इसका व्यू चेंज कर दिया, फिर से किसमें आ गया, रिपोर्ट व्यू पे आ गया, अब देखिए तो छोटा छोटा हो गया, हाँ अब वो स्क्रॉल भी दे रहा है, देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 लास्ट में नहीं कही था, और स्टार्टिंग में किसका था, अमन का, दिखा रहे हैं सबका, बस आसान व्यू चेंज कर लेंगे फॉर्म का, जो भी रिपोर्ट का, रिपोर्ट व्यू, प्रिंट रिव्यू, रिपोर्ट व्यू सब दिखा रहे हैं ना, लेआउट व्यू, डिजाइन व्यू भी दबाएंगे जब एडजस्टमेंट करना होगा, ये इससे कोई मतलब नहीं है, ये सेक्शन हेडर है वो अपने आप आएगा, हमको इससे मतलब है जो हम लोग ये रजिस्ट्रेशन नंबर को पास लाना होगा, पास भी ला सकते हैं, देख रहे ना, अब प्रीव्यू चेक करिए, अब देखो बराबर आ रहा हो, आ रहा बराबर बराबर, ऐसे कर सकते बटन नहीं आ रहा, हाँ, बटन नहीं आ रहा, इस पे बटन नहीं आता है, रिपोर्ट है ना बाबू, क्यों बटन नहीं आ रहा था, ट्रैक करते वक्त नहीं आ रहा था, कि ऑप्शन भी नहीं आ रहा था, जानते क्या पुराना वर्जन होगा उसको करना पड़ेगा, आ जाओ ठीक है, किस पे कर रहे थे, फॉर्म पे कर रहे थे क्या, आपको फॉर्म पे बटन नहीं आएगा, व्यू चेंज करके काम करिएगा तभी आएगा, ठीक है याद रखिएगा, व्यू चेंज करेंगे तो आएगा, आउटपुट पे करेंगे तो नहीं होगा, कोई दिक्कत है तो आज दो काम करना है आपको, क्या क्या करना है, एक रिपोर्ट तैयार करना है, एक रिपोर्ट तैयार करना है, और ये क्या काम करना है, तो टेबल हेडर लोगो लगा, स्टेप लिख लीजिए रिपोर्ट के लिए क्या क्या स्टेप करना होगा आपको, टू क्रिएट रिपोर्ट में यार बनाने के लिए डेटाबेस को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट नहीं करना है सीधे से क्रिएट मेनू में, रिपोर्ट ग्रुप में रिपोर्ट विजार्ड ऑप्शन है, सिलेक्ट करना है टेबल को, जिस टेबल को आप क्या करना चाहते हैं, जिस टेबल का आप रिकॉर्ड यहाँ लिख लीजिएगा, जिस टेबल का आप रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, लिख लीजिए, ये दो चीजें हो गई, अब ये खत्म हो गया रिपोर्ट ये, अब इसके बाद हम क्वेरी काम करें, देखो सब लाइन से सेव भी होता जा रहा है, ये आपके टेबल है देख रहे हैं रो और कॉलम में बना हुआ सेल जैसे, टेबल है ये आपका क्या है फॉर्म है जो कल बनाए थे और बटन लगाए थे, और आज क्या बना लिए हम लोग रिपोर्ट बना लिए, क्या बना लिए रिपोर्ट, सेव करिए बंद करिए, सबका अलग अलग सेक्शन होगा, यस वापस से विंडो विंडो आर एमएस एक्सेस, पुराना वर्जन होगा तो दिक्कत करेगा आप लोगों का थोड़ा सा, बोल दिएगा सर लोग सही कर देंगे लोग, ठीक है देखिए सब बन गया है, आज आप यही बनाया है, क्या बनाया है स्टूडेंट लिस्ट नाम से रिपोर्ट तैयार, देखिए देख रहे हैं, और जितनी चीजें आपको रखनी है उतनी चीजें ही रखेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, और ये आपका क्या है फॉर्म, फॉर्म में बटन बना ही लिए हैं, इंडेक्स करेंगे तो आगे जाएगा, प्रीवियस हाँ ये नहीं आ रहा था, ऑप्शन ही नहीं आ रहा था, चलिए आप लोग सिस्टम में देख ले रहे हैं, तो अनइंस्टॉल करवा के एमएस ऑफिस नया वर्जन डलवा देंगे हो जाएगा, लोगों कैसे क्या मतलब पढ़ाए हैं लेट आएंगे तो नहीं कुछ हो पाएगा, वो तो पीडीओ आराम से देख के पढ़िएगा आप लोग, फॉर्म के लिए सीधा सीधा कहाँ गए, व्यू चेंज किए हैं, व्यू चेंज के डिजाइन व्यू में आ गए, यही ऑप्शन है लोगो का, टाइटल का, डेट एंड टाइम का, तीनों का इस्तेमाल किए हैं ठीक है, यही है यही चलिए, और उसके बाद से स्टेप डिफाई दिए हैं, क्रिएट में जाना है, रिपोर्ट विजर्ड में जाना है, रिपोर्ट विजर्ड में क्या लेना है, टेबल को सिलेक्ट करना है, कितने टेबल दिख रहे हैं, टेबल डाटा और स्टूडेंट लिस्ट,
टेबल डाटा, स्टूडेंट लिस्ट। टेबल डाटा किस पे डाटा ज्यादा है? इस पे, स्टूडेंट लिस्ट पे। इसलिए मैंने स्टूडेंट लिस्ट को क्लिक किया है। किसको रखना है, किसको किसको, रजिस्ट्रेशन नंबर को, स्टूडेंट नेम को, एड्रेस को, जेंडर नहीं, कोर्स को, फी नहीं, फोटो को, बस इतना रखें। मोबाइल नंबर भी रखना है, मोबाइल नंबर भी ले लीजिएगा। एमओबी हो गया। नेक्स्ट करेंगे किसको प्रियोरिटी देनी है। प्रियोरिटी दे दीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर को, रजिस्ट्रेशन नंबर सबसे हाइट पर रहेगा, बाकी सारे नीचे। नेक्स्ट करिए और क्या करिए, फिनिश कर दिए, बन के यहाँ आ जाएगा। देखिए बन गया, ठीक है। मुझे सेव करना है नहीं, मुझे कर लेंगे ना। तो ये दो टॉपिक आज की क्लास में कर लीजिएगा। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्या, क्वेरी। क्वेरी का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन करना। जो मन में क्वेश्चन है वो करेंगे, फिर उसका आउटपुट देखेंगे हम, ठीक है। थैंक यू।